इस वीडियो में हम एक और थ्री ब्लॉक्स का सम देखेंगे। हमारे पास ये थ्री ब्लॉक्स हैं एबीसी, ए का मास है 1 kg, बी का मास है 2 kg, सी का मास है 2 kg, सी और ग्राउंड के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है, बी और सी के बीच में म्यू 0.2 है, म्यू एस और म्यू के कन्वीनियंस के लिए सेम लिया है, और ए और बी के बीच में म्यू 0.5 है। हम फोर्स लगा रहे हैं बी ब्लॉक पे, हमको ये बताना है कि एफ का वो वैल्यू कौन सा है, एफ का वो वैल्यू कौन सा है जब तक तीनों साथ में मूव कर सकते हैं, यानी उसके बाद अगर एफ को इंक्रीज करेंगे तो तीनों का मूवमेंट एक साथ पॉसिबल नहीं होगा, स्लिपिंग हो जाएगा या तो ये सरफेस पे या ये सरफेस पे। तो हमें सबसे पहले ये बताना है कि एफ की वो वैल्यू कौन सी है जहां तक तीनों ब्लॉक्स साथ में मूव कर सकते हैं। तो देखो, हमें समझना ये होगा कि अगर तीनों ब्लॉक्स को साथ में मूव करना है तो यहां पे स्लिपिंग नहीं होनी चाहिए, यहां पे स्लिपिंग नहीं होनी चाहिए, मतलब एफ एस मैक्स की वैल्यू क्रॉस नहीं होनी चाहिए। अगर एफ एक्स मैक्स की वैल्यू क्रॉस हो जाएगी किसी भी दो सरफेस के बीच में तो फिर उनके बीच में रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो जाएगा, ब्लॉक साथ में मूव नहीं करेंगे। तो उसके लिए हम पहले देख लेते हैं ए और बी के बीच में एफ एस मैक्स जो है एफ वन वो कितना है। वो हो जाएगा म्यू एन, एन मतलब यहां का नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन मतलब जितना यहां पे वेट रखा हुआ है, वेट कितना है mg, तो मास है 1 kg, 1 × 10, 10 न्यूटन मेरा वेट हो गया, तो वही यहां से नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगा। तो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू म्यू एन, तो 0.5 × 10 कितनी हो जाएगी 5 न्यूटन की, तो ये मेरा एफ वन हो गया 5 न्यूटन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन ए एंड बी। यहां पर फ्रिक्शनल फोर्स कितना आएगा मैक्सिमम, यहां से जो नॉर्मल रिएक्शन आएगा, नॉर्मल रिएक्शन कितना आएगा इक्वल टू द वेट अबव दिस सरफेस। तो यहां पे मास 1 kg प्लस 2 kg 3 kg रखा हुआ है, तो मास 3 kg है इस सरफेस के ऊपर, तो उसका फोर्स mg हो जाएगा, 30 न्यूटन हो जाएगा। 30 × μ करेंगे, म्यू एन जितना आपका वेट आएगा उतना ही नॉर्मल रिएक्शन होगा, वेट आ गया 3 × 10 30 न्यूटन, 0.2 करेंगे तो 30 × 0.2 बिकम 6 न्यूटन। तो यहां पर जो फ्रिक्शनल फोर्स है मैक्सिमम F2 जिसको मैं बोलता हूं वो मेरे पास है 6 न्यूटन का। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब तक इन दोनों के बीच में 6 न्यूटन का फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करता रहेगा तब तक साथ में मूव करेंगे, और यहां पर जब तक फ्रिक्शनल फोर्स 5 न्यूटन करेगा तब तक ये दोनों भी सेपरेट नहीं होंगे, साथ में मूव करेंगे। देखो मुझे समझ में आ रहा है कि जब मैं इसको धक्का मारूंगा तो इसको तो ये पुश कर रहा है, इसको आगे कौन पुश कर सकता है, खाली फ्रिक्शनल फोर्स, इसके ऊपर और कोई भी सोर्स ऑफ एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। तो अगर हम एक की बात करें ना, तो एक के ऊपर खाली फ्रिक्शनल फोर्स आ सकता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और वो इस तरह से होगा ये ए, इसका मास 1 kg, ये एफ वन का वैल्यू 5 न्यूटन है मैक्सिमम, ये मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर सकता है ए और बी के बीच में। इसका मतलब ये हुआ कि इसका एक्सेलरेशन मैक्सिमम एक्सीलरेशन फोर्स अपॉन मास कितना हो जाएगा 5 m/s², यानी ए के पास मैक्सिमम एक्सीलरेशन 5 हो सकता है बिकॉज ऑफ मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। यही बात अगर हम सी की करें तो सी पर भी सिर्फ फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर सकता है जो बी और सी के बीच में है, और कोई भी सी के पास सोर्स ऑफ एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। तो सी की बात करें तो सी और बी के बीच में मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स 6 न्यूटन का है, तो ये सी की बात की मैंने, फ्रिक्शनल फोर्स इस तरफ F2 मैक्सिमम 6 न्यूटन का, तो इसका एक्सीलरेशन मैक्सिमम फोर्स अपॉन मास 6/2 ये हो जाएगा 3 m/s². यानी मैं जैसे जैसे इस फोर्स को बढ़ाऊंगा तो ये फ्रिक्शनल फोर्स भी इंक्रीज होंगे एंड कॉरेस्पॉन्डिंगली इन ब्लॉक्स के एक्सीलरेशन भी बढ़ेंगे। इसका एक्सेलरेशन मैक्सिमम 3 हो सकता है सी का और ए का हो सकता है 5, यानी जैसे जैसे मैं इस फोर्स को बढ़ाऊंगा तो पहले हम इस वैल्यू पे पहुंचेंगे, एक्सेलरेशन 3 m/s² का पहुंचेगा, और उसके बाद जैसे जैसे एक्सेलरेशन सिस्टम का बढ़ेगा तो फिर कभी ना कभी इसका भी कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो साथ में मूव करने के लिए हम मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना ले सकते हैं 3, जो कि सी के पास है बिकॉज ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। जैसे ये क्रॉस हो जाएगा, जैसे जैसे बी पर या जो बी बीच में रखा हुआ है उस पर फोर्स बढ़ेगा तो ये फ्रिक्शनल फोर्स इंक्रीज होगा। जब ये 6 न्यूटन पे पहुंच जाएगा उसके बाद इसकी वैल्यू इंक्रीज नहीं हो सकती,
तो ये 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से आगे जाता रहेगा, और बी जो रखा हुआ है उसके ऊपर फोर्स अगर इंक्रीज होगा तो बी और सी के बीच में स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगा, तो तीनों ब्लॉक्स मूव साथ में नहीं करेंगे। तब तक बी और ए में स्लिपिंग नहीं हुआ होगा बिकॉज ये फ्रिक्शनल फोर्स 5 न्यूटन तक नहीं पहुंचा होगा, क्योंकि डिफरेंट मूव करने के लिए, सेपरेटली मूव करने के लिए पहले हम इसका एक्सेलरेशन क्रॉस करेंगे 3 वाला, बाद में 5 वाला क्रॉस होगा। इसलिए अगर मैं चाहता हूं कि ये तीनों साथ में कब तक मूव करेंगे, मुझे दोनों में से जो लेसर एक्सेलरेशन है वो काउंट करना पड़ेगा। यानी अब मैं काउंट करके चलूंगा कि तीनों का एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, साथ में मूव कर रहे हैं, उसके लिए एफ की वैल्यू क्या होगी। तो मुझे समझ में आ रहा है कि एफ की वैल्यू कितनी होगी, तीनों साथ में मूव कर रहे हैं तो साथ में जब मूव करते हैं सिस्टम मान लेते हैं एफ नेट हो जाता है टोटल मास m1 + m2 + m3 इनटू ए, दिस इज कॉमन एक्सीलरेशन। इस तरह से कॉमन एक्सीलरेशन निकाला जाता है, एफ नेट, नेट एक्सटर्नल फोर्स जो है दैट इज इक्वल टू टोटल मास इनटू कॉमन एक्सीलरेशन। अब इन तीनों ब्लॉक्स को अगर सिस्टम मान ले तो इन दोनों के बीच का फ्रिक्शनल फोर्स, इन दोनों के बीच का फ्रिक्शनल फोर्स वो इंटरनल फोर्स है, यहां पे फ्रिक्शन है ही नहीं, म्यू इज जीरो, तो नेट एक्सटर्नल फोर्स खाली मेरे पास कौन सा हुआ, एफ हुआ। तो एफ विल बिकम इक्वल टू टोटल मास कितना है 1 + 2 + 2 = 5 और एक्सेलरेशन में कितना चाहता हूं 3, तो एफ कितना हो जाएगा 15 न्यूटन। यानी 15 न्यूटन तक तीनों साथ में मूव करेंगे, तो एफ इज इक्वल टू 15 इंप्लाइज 3 टुगेदर। ये हमको बात समझ में आ गई, जब तक 15 न्यूटन क्रॉस नहीं होगा तब तक तीनों साथ में मूव करेंगे, ये बात हमको समझ में आए। अब जैसे ही 15 क्रॉस हो जाएगा तो इन दोनों में स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगा, और अब ए और बी अभी भी साथ में चल रहे हैं बिकॉज ए को एक्सीलरेशन जब तक, यहां पर हमने निकाला था 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ए का मैक्सिमम एक्सीलरेशन बिकॉज ऑफ 5 न्यूटन फोर्स, जब तक ये फोर्स इतना नहीं इंक्रीज हो जाता कि इन दोनों का फ्रिक्शनल फोर्स 5 न्यूटन नहीं पहुंच जाता है, तब तक ये दोनों साथ में मूव करते रहेंगे भले ही बी सी के ऊपर स्लिप हो गया है। तो बी तो सी के ऊपर स्लिप हो गया लेकिन ए और बी अभी भी स्लिप नहीं हुए हैं बिकॉज उनके बीच का मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स 5 न्यूटन का क्रॉस नहीं हुआ है। तो लेट अस चेक, इन दोनों के बीच में स्लिपिंग करवाने के लिए हमें एफ कितना लगाना पड़ेगा, ये बात समझनी है। तो हमें मालूम चल रहा है कि अगर मुझे ए और बी के बीच में स्लिपिंग करवानी है तो ये 5 न्यूटन का फ्रिक्शनल फोर्स क्रॉस होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ए मेरे पास है इसके ऊपर मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स 5 न्यूटन का लगेगा, इसका मास 1 kg का है, तो इसके अंदर जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा वो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, फोर्स अपॉन मास 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और यही एक्सीलरेशन मैं बी का ले लेता हूं, यही एक्सीलरेशन मैं बी का ले लेता हूं, बी जिसका कि मास 2 kg है, मैं चाहता हूं दोनों साथ में मूव करें, तो इसका भी एक्सेलरेशन मैंने 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मान लिया, इसका भी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहां से एफ फोर्स लग रहा है, अब दोनों साथ में मूव कर रहे हैं तो दोनों को मैं सिस्टम मान लूंगा, तो इन दोनों के बीच का जो फ्रिक्शनल फोर्स था वो इस सिस्टम के लिए एक्सटर्नल बन जाएगा। मुझे मालूम है इन दोनों में स्लिपिंग स्टार्ट हो गई है तो 6 न्यूटन का फोर्स क्रॉस हो गया है, तो इस पर 6 न्यूटन ऐसे लग रहा है तो इस पर 6 न्यूटन ऐसे लगेगा, तो ये 6 न्यूटन ऐसे आ गया, ये F2 की वैल्यू आ गई। इन दोनों के बीच का फ्रिक्शनल फोर्स 5 न्यूटन पहुंचने वाला है, तो ये तो इंटरनल फोर्स हो गया, इसलिए इसको दिखाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये इंटरनल फोर्स है। हम चाहते हैं दोनों साथ में मूव कर रहे हैं विद कॉमन एक्सीलरेशन, हाउ मच, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अगेन F net विल बी m1 + m2 * a। एफ नेट कितना हुआ, मैंने फोर्स एफ ऐसे लगाया, 6 पीछे से आया, ये एक्सटर्नल फोर्स है क्योंकि सिस्टम मैंने इसको माना है, इसको सिस्टम माना है, तो ये जो फोर्स लगा रहा है इसके ऊपर वो एक्सटर्नल होगा, तो एफ नेट हो जाएगा F - 6। टोटल मास कितना है 1 + 2 = 3 kg का और एक्सेलरेशन जाता हूं 5 हो जाए, तो एफ हो जाएगा 15 + 6 = 21 न्यूटन। यानी जब तक मैं 21 न्यूटन पर नहीं पहुंचूंगा तब तक ए और बी सेपरेट नहीं होंगे। तो यहां पे लिख देते हैं एफ इज इक्वल टू 21 इंप्लाइज ए बी टुगेदर, ये बात हमको समझ में आ रही है। तो जब तक हम 21 तक नहीं पहुंचेंगे तब तक ए और बी साथ में चलेंगे, और 15 क्रॉस हो गया है
तो बी का स्लिपिंग सी पर हो रहा होगा। जब तक 15 तक नहीं पहुंचेंगे तब तक तीनों साथ में मूव करेंगे, ये हमारा कंक्लूजन हुआ। और जैसे हम 21 को क्रॉस करेंगे तो तीनों सेपरेटली मूव करेंगे, ये कंक्लूजन हमारा इस सम के बारे में आ गया। अब हम फोर्स की अलग अलग वैल्यू लेके देखते हैं कि क्या होता है, किसमें कितना एक्सीलरेशन होगा, कितना फ्रिक्शनल फोर्स होगा किस ब्लॉक पे, ये हम देखने की कोशिश करते हैं। तो ये बात हमको समझ में आ गई कि 15 पर बी और सी स्लिप करेंगे और 21 पहुंचने पर ए और बी भी स्लिप कर जाएंगे, मतलब तीनों ब्लॉक्स अलग अलग एक्सीलरेशन से मूव करेंगे अगर हम 21 की वैल्यू को क्रॉस कर जाएंगे। तो पहले हम लेते हैं कि अगर हमने सपोजिंग अलग अलग वैल्यूज लेते हैं, हम लोग अलग अलग वैल्यूज लेके हम करने की कोशिश करेंगे। सपोजिंग मैंने 10 न्यूटन का फोर्स लिया, केस वन में मैंने एफ की वैल्यू 10 न्यूटन ली, तो ये मैंने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, मुझे मालूम है 15 से कम है, तो तीनों साथ में मूव करेंगे, तीनों साथ में मूव करेंगे विद कॉमन एक्सीलरेशन। ये ए हो गया 1 केजी का, ये बी हो गया 2 केजी का, और ये मेरे पास आ गया सी 2 केजी का। यहां पर कोई फोर्स नहीं है, फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है। देखो ये फोर्स मैंने लगा दिया 10 न्यूटन का, कॉमन एक्सीलरेशन है क्योंकि हम 15 तक नहीं पहुंचे, तीनों साथ में चलेंगे, तो एफ नेट विल बी टोटल मास इनटू एक्सीलरेशन। एफ नेट विल बी टोटल मास एम टोटल इनटू एक्सीलरेशन। मेरे पास सिर्फ ये सोर्स ऑफ एक्सटर्नल फोर्स है, तो 10 विल बिकम 5a 1 प्लस 2 प्लस 2, तो मेरे पास एक्सीलरेशन सबका कितना हो जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका एक्सीलरेशन 2 है मेरे पास, इसका भी एक्सीलरेशन 2 है और इसका भी एक्सीलरेशन 2 है, साथ में मूव कर रहे हैं। देखो इसको धक्का मारने के लिए ये अगर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सीलरेशन चाहिए तो नेट फोर्स कितना होना चाहिए, एफ नोट मास इनटू एक्सीलरेशन 4 न्यूटन होना चाहिए। इसके पास नेट फोर्स कितना होना चाहिए, 2 इंटू 2 4 न्यूटन का नेट एक्सटर्नल फोर्स होना चाहिए, और इसके पास नेट फोर्स कितना होना चाहिए 2 न्यूटन का, ये बात हो रही है। तो हमने पहले एक्सीलरेशन से नेट फोर्स कितना होना चाहिए वो निकाल लिया। अब देखो इसके पास सिर्फ फ्रिक्शनल फोर्स का सहारा है फॉर एक्सटर्नल फोर्स, इसका मतलब ये हुआ इसे 2 न्यूटन की जरूरत है, मतलब यहां पर F1 डैश की वैल्यू 2 न्यूटन होगी, मैक्सिमम 5 न्यूटन है, हम 2 न्यूटन पहुंचे इसलिए मैंने F1 डैश लिखा, F1 डैश इज लेस देन F1, F1 मैक्सिमम की वैल्यू है, तो यहां पे 2 न्यूटन हो गया। तो इसी तरह से यहां पर भी वही फोर्स, यहां पे F1 डैश 2 न्यूटन हो जाएगा, ये बात हो। इसे 4 न्यूटन की जरूरत है, इसके पास भी खाली फ्रिक्शन का ही सहारा है, तो यहां पे F2 डैश 4 न्यूटन हो जाएगा और वही 4 न्यूटन फोर्स यहां पर आ जाएगा F2 डैश 4 न्यूटन का, ये बात हो गई। अब देख लेते हैं ये सेट हुआ कि नहीं। देखो इसके पास 10 न्यूटन का फोर्स ये वाला, 2 न्यूटन अपोज कर रहा है, 4 न्यूटन अपोज कर रहा है, तो इसके पास नेट फोर्स कितना बचा, 10 माइनस 2 8, 8 माइनस 4 4, और नेट फोर्स मुझे 4 चाहिए, बिल्कुल सही बात है। इस तरह से देखो सेटिंग हो गया और इस तरह से हमें एक्सीलरेशन मालूम चल गए, नेट फोर्स पता चल गए और हर एक ब्लॉक पे फ्रिक्शन कितना है वो मालूम चल गया। इस तरह से आपको सोचना है। तो यह बात हुई कि जब 10 न्यूटन का फोर्स एक्ट कर रहा होगा तब सिचुएशन क्या होगी, कितना फ्रिक्शनल फोर्स होगा हर एक सरफेस के बीच में, कितना नेट फोर्स चाहिए, कितना एक्सीलरेशन चाहिए, यह हमको समझना है। थोड़ा और केस लेते हैं इस चीज को समझने के लिए। सपोजिंग मैंने एफ को 18 न्यूटन ले लिया, एक्सटर्नल फोर्स मैंने 18 न्यूटन कर दिया, अब मेरा F 18 न्यूटन है, 15 को क्रॉस कर गया, मतलब B और C के बीच में स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगी, मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स पहुंच जाएगा, ये बात है। तो इसको भी बना के देख लेते हैं, ये मेरे पास A है, ये मेरे पास A इस समय, इसका मास 1 केजी, ये मेरे पास B, इसका मास 2 केजी, और ये मेरे पास C, इसका मास 2 केजी। हमारा फोर्स 18 न्यूटन है, यहां पर 18 न्यूटन बना देता हूं F, ये 18 न्यूटन है एक्सटर्नल फोर्स, 15 क्रॉस कर लिया है, मतलब इसके ऊपर और इसके ऊपर मैक्सिमम सेटिंग फ्रिक्शनल फोर्स होगा 6 न्यूटन का, वो 6 न्यूटन यहां पे होगा जिसको मैं F2 डैश बोलूंगा, वही 6 न्यूटन यहां पे एक्ट करेगा, F2 डैश इज इक्वल टू 6 न्यूटन।
और इसको एक्सीलरेशन कितना मिल जाएगा, 6/2 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये बात होगी। 21 पे भी नहीं पहुंचे हैं, मतलब ए और बी साथ में मूव कर रहे होंगे, ये दोनों साथ में मूव कर रहे होंगे, ये दोनों साथ में मूव करेंगे, दोनों साथ में मूव करेंगे तो टोटल एक्सीलरेशन कितना आएगा, कॉमन एक्सीलरेशन कितना आएगा इस सिस्टम के ऊपर। एफ नेट देख लीजिए कितना है, एफ नेट कितना है सिस्टम के ऊपर, 18 न्यूटन मैंने लगाया, 6 न्यूटन पीछे से आया यहां से, ये मेरी एक्सटर्नल है, 12 न्यूटन फोर्स टोटल बचा इस सिस्टम के ऊपर, 12 न्यूटन। मुझे जो मास खींचना है वो 3 केजी का है, तो नेट फोर्स मेरे पास 12 न्यूटन का है और मास मेरे पास 3 केजी का है, तो एक्सीलरेशन हो जाएगा एफ नेट अपॉन मास, 12/3 मतलब 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन होगा। तो इसका एक्सीलरेशन 4 का है और इसका एक्सीलरेशन भी 4 का है नेट। अगर 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन चाहिए तो एफ नेट मेरे पास कितना होना चाहिए, 4 × 1 4 न्यूटन का होना चाहिए। यहां पर मेरे पास नेट फोर्स कितना होना चाहिए, 4 × 2 8 न्यूटन का होना चाहिए। इसके पास खाली फ्रिक्शन का सहारा है, मैक्सिमम फ्रिक्शन 5 न्यूटन का मिल सकता है, हमें 4 की जरूरत है, तो यहां पर फ्रिक्शनल फोर्स 4 न्यूटन का हो जाएगा, वही फ्रिक्शनल फोर्स यहां पे 4 न्यूटन का हो जाएगा बैकवर्ड डायरेक्शन में। ये बात हो गई। नाउ लेट अस चेक थिंग सेट हो रही है कि नहीं। इसके ऊपर 18 न्यूटन फॉरवर्ड माइनस फॉर 14 माइनस 6 8, तो इस पे 8 न्यूटन का फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन बचा और हमको यहां पे 8 चाहिए, बिल्कुल सही बात है, ये सेट हो गया। तो इस तरह से सभी के एक्सीलरेशन कितने हैं, सभी पर नेट फोर्स कितना है और फ्रिक्शनल फोर्स दो दो ब्लॉक्स के बीच में कितना है, यहां पे एफ1 डैश लिख देता हूं कितना है, ये आपको समझ में आया। इस तरह से आपको कैलकुलेट करना होता है। चलिए इस फोर्स को थोड़ा और बढ़ा देते हैं, इस फोर्स को और बढ़ा देते हैं, ठीक है, ताकि स्लिपिंग स्टार्ट हो जाए। तो नाउ आई टेक द वैल्यू ऑफ 25 न्यूटन, इसको 25 न्यूटन कर दिया, इसको 25 न्यूटन कर दिया, 21 क्रॉस हो गया है तो तीनों में स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगा, मतलब मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स पहुंच जाएगा हर एक सरफेस के बीच में। तो ये ए हुआ 1 और ये मेरे पास हो गया बी 2 केजी का और ये मेरे पास सी भी 2 केजी का। मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स पहुंच गया है, ऐसे में लगा रहा हूं एफ, ये 25 न्यूटन का, इसको आगे धक्का मारने के लिए एफ 1 की वैल्यू आ जाएगी 5 न्यूटन मैक्सिमम, वही F1 यहां पर आ जाएगा 5 न्यूटन का, इसको धक्का मारने के लिए F2 मैक्सिमम 6 न्यूटन, स्लिपिंग स्टार्ट हो गई है, 21 की वैल्यू क्रॉस हो गई है, ये 6 न्यूटन। इस तरह के फोर्सेस हमारे पास आ गए तीनों ब्लॉक्स के ऊपर। अब मुझे मालूम है इसके पास मास 1 फोर्स 5 न्यूटन, तो इसके पास एक्सीलरेशन कितना बचेगा, फोर्स अपॉन मास 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसके पास 25 फॉरवर्ड डायरेक्शन में माइनस 5 20 और ये 6 यहां पर लगेगा, सॉरी ये 6 न्यूटन यहां पर, ये F2 6 न्यूटन, सॉरी मैंने इसी को बना दिया था। तो इसके ऊपर 25 माइनस 5 20 20 माइनस 6 14 बचा, तो इसके पास नेट फोर्स 14 बचा, मास 2 है तो इसके पास एक्सीलरेशन हो जाएगा 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेट फोर्स अपॉन मास, नेट फोर्स कितना हुआ, 25 माइनस 5 20 20 माइनस 6 14 14/2 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेट फोर्स 6 का, मास 2 का, तो इसका एक्सीलरेशन हो गया 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप देख सकते हैं तीनों ब्लॉक्स अलग अलग एक्सीलरेशन से आगे जा रहे हैं, स्लिपिंग स्टार्ट हो गया है, सारे फोर्स बैलेंस हैं। इस तरह से अलग अलग सर्फेसिस में फ्रिक्शन कैलकुलेट करना पड़ता है, नेट एक्सीलरेशन कितना है, एक्सटर्नल फोर्स कितना है, फ्रिक्शनल फोर्स कितना है, ये सारी बातें हम कैलकुलेट करते हैं। होप आपको चीज समझ में आई होगी और आपको वीडियो अच्छे लग रहे होंगे। प्लीज कमेंट इन द कमेंट बॉक्स कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं और आप कौन से चाहते हैं मैं वीडियोस आपके लिए बनाऊं। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।